Hello and good morning to everyone. I myself, Rohit Kumar, welcomes you all on eCareerPoint NEET channel, a channel which is preparing you for your NEET examination. है ना, NEET examination की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो content जो आपको चाहिए NEET education की, that the eCareerPoint NEET channel provides you. हम यहाँ पर daily classes आपके लिए लेके आ रहे हैं, एक chapter को complete कराते हैं with full concept, superficially नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए NCERT समझना बहुत आसान हो जाता है. तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 से फॉलो किया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उन्हें पता है कि लेक्चर नंबर 7 आ गया है. यहाँ पर आज हम इस चैप्टर का बेसिकली जो लास्ट मियोसिस फर्स्ट है उसके प्रोफेज 1 के स्टेजेस को पढ़ने जा रहे हैं, है ना. तो ये आज के क्लास में हमारी मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी. थोड़ी बहुत बातें जो रह जाएंगी वो हम एक और लेक्चर लेके खत्म कर देंगे. तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई और सारे बच्चे आ चुके हैं. सो गुड मॉर्निंग साहिबा, हीना, रश्मि, यकूब, ताइबा, सुशील यादव, चलिए अजय कोहली इज देयर, मोहम्मद सरसाज आलम, अशरफुल, हीना, श्रुति सिंदरे. तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और उसमें आज हम बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम प्रोफेज फर्स्ट, आपको मैं थोड़ा सा हिंट बताऊंगा आज मैं आपको मियोसिस फर्स्ट की जरूरत क्यों है और मियोसिस फर्स्ट होता क्या है, इनके बारे में बहुत सारी बातें समझेंगे. और आपको जो थोड़ी बहुत डाउट्स हैं कि क्या होता है इंटरफेस के दौरान, क्या होता है इंटरकाइनेसिस के दौरान, वो भी आज क्लियर हो जाएगा. तो सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाओ. यस पलक, गुड, आर के मीना, गुड मॉर्निंग. साइक महीन इज देयर, माया रानी, सौम्या, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. तो सारे बच्चे बिल्कुल आ गए हैं, एनर्जी फुल ऑन होनी चाहिए आज. मतलब एक घंटे की तो सेशन होती है, एक 11 से 12 की टाइम होती है. इस टाइम अब फुल ऑन एनर्जी के साथ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड वे में नोटबुक लेकर के, एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि अब जो सेशन करेंगे उसमें आज बहुत कुछ नया सीखेंगे. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो सारे बच्चे, सौम्या, हीना, नित्या, जल्दी जल्दी आप आने की कोशिश करें, है ना. तो कुमार सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और उस पर बात करना हम स्टार्ट कर देते हैं. चलिए, तो देखो सेशन को स्टार्ट करें तो आज आपको पता है कि ये लेक्चर नंबर 7 है. ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है और हम इस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लगभग 80% सिलेबस तक पहुंच चुके हैं, कंप्लीट कर रखा है. और आज हमारा ये सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा. थोड़ी बहुत बातें रह जाएंगी जिनको मैं लास्ट लेक्चर लेकर के लेक्चर नंबर 8 में फिनिश कर दूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम ई करियर पॉइंट पर YouTube पे तो फ्री क्लासेस चला रहे हैं. ठीक है, लेकिन हम अपनी लर्निंग ऐप भी एक रखे हैं जिनपे, जिसको हम कह रहे हैं ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप. आप सभी को पता है प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लेना. बहुत सारे बच्चों ने इसे डाउनलोड कर रखा और वहां पे वो कोर्सेज में इनरोल हो चुके हैं, है ना. उन कोर्सेज से फायदा क्या होता है, उन कोर्सेज से फायदा ये होता है कि आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी मिल जाती है, आपको वहां पर सारी चीजों के लिए एक रूटीन मिल जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूटीन यू हैव टू अटेंड द क्लासेस. फिर उन क्लासेस के साथ आपको क्या मिल जाता है, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं जिनके हेल्प से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाते हो. इसके अलावा ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप पे मैं जो भी अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उनके पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, डीपीपीएस मिल जाते हैं, ताकि आप अपने प्रॉब्लम शीट्स बनाते रहो, अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के वो भी बनाएं. ठीक है, अब वहां जाके अगर कोर्सेज आप परचेज करते हो तो कोर्सेज की फीस जो है वो बहुत ही कम हमने रख रखा है. इस बात को एनालाइज करना कि कोटा की एजुकेशन सिस्टम आपके घर तक पहुंच रही है जिसकी फीस काफी कम है, और फीस है कितनी, अराउंड 20,000-25,000 में आपको ईयर लॉन्ग प्रोग्राम मिल रहे हैं. और उस ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो अप्लाई दिस कोड RK10. RK10 सिंपल सा ये याद रख सकते हो आप, RK10 और RK10 आप लगाते हो तो 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाती है. तो आप इसे लगा सकते हो, पर ये वैलिड आज तक ही है, इसलिए जल्द से जल्द आप कोर्सेज परचेज कर लें. 30 नवंबर तक वैलिड है, तो आप जल्दी से जल्दी कोर्सेज परचेज करके काम अपने शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम आने वाला है. मे बी मई मंथ में एग्जाम हो जाए आपकी 2021 में, पोस्टपोन होने के भी चांसेस हो सकते हैं. लेकिन हमें तो फिलहाल, मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमें वो नहीं जाना है कि कब होगा एग्जाम कब नहीं होगा, हमें तो प्रिपरेशन करनी है, हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे हम सभी जो फैकल्टीज आप देखते हो यूट्यूब पे, वो सभी वहां पे लर्निंग ऐप पे क्लासेस लेंगे. तो आपको वहां पे जाना है और कूपन कोड RK10 यूज करना है और कोर्सेज को परचेज करके सीधे आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर देनी है. क्योंकि अगर अब हमने लेट कर दिया, अगर अब लेट किया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर एक साल की और मेहनत आ जाएगी. मैं बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, नीट की प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत डेडिकेटली 7-8 मंथ की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अगर हमने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है. तो अब अगर लेट कर दिए तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो लेट नहीं करना है. तो ऐसे बच्चे जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत जरूरी है. क्योंकि देखो बोर्ड्स कुछ अलग नहीं आता,
नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स उसके ही एक छोटे से लाइन में कवर हो जाता है। तो हम अगर बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोर्ड्स भी हो जाएगा। वो सारी बात आप समझ जाते हो, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परचेज द कोर्स। ठीक है, कोर्स परचेज करो, टेस्ट सीरीज में इनरोल हो, और देन यू कैन कम्पीट विद द स्टूडेंट्स जो कि नेशन वाइड आपके साथ वहां पे कॉम्पिटिशन करेंगे, तो आपको पढ़ने का एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। बिकॉज विदाउट प्रेशर यू कांट प्रिपेयर। जब तक प्रेशर नहीं आप पे आएगी ना, आप प्रिपरेशन नहीं करते, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, तो सारे बच्चे बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को शेयर करो सेशन को जल्दी से जल्दी, लाइक हिट करो, लाइक करना स्टार्ट करें। और आप सारे एक काम में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, दैट इज कि कमेंट करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें। आप कमेंट्स नहीं करते हो, आप कमेंट करा करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ ऐसे सेशंस में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ताकि हम ऐसे सेशंस आपके लिए रेगुलरली प्लान कर पाएं। वरना क्या होगा, किसे आपके कमेंट्स वगैरह कम रहेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि शायद आप सेशंस नहीं इंजॉय कर रहे हो, तो हमें भी चीजों को वहां पे फोल्डिंग करनी पड़ जाएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, सो आज हम बात करेंगे, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि कैसे इन सारे प्रोसेसेस को याद रख सकते हैं। यानी लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिकली एक हिंट दिया था, जहां से नीट में जब क्वेश्चन आए तो उन कीवर्ड्स के थ्रू ही बस आंसर आप कर दो। लेकिन आज की क्लास में हम इसका डिटेल करेंगे, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है जब वो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं ना, तो उन्हें एनसीईआरटी की लाइन में कुछ ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, पढ़े हो आप सभी, तो आपको एक लाइन मिल जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा कुछ बच्चों को मिल जाता है वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, फिर एक और टर्म होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यस और नो, ऐसे टर्म्स मिलते हैं ना वहां पर। इसके अलावा आपको वहां पे क्या मिल जाता है, टेट्राड कंडीशन, बाइवेलेंट कंडीशन, और ये टर्म जैसे ही आपको मिलता है क्रॉसिंग ओवर, ऐसे टर्म्स यहां पे मिलते हैं। यानी जब इस पेज को आप ओपन करते हो तो इस पेज पे आपको ऐसे टर्म्स मिलने लगते हैं जिन टर्म्स को देखते ही आपकी हालत खराब हो जाती है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि किस तरीके से इन टर्म्स को याद रखें या इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, बायो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा कि बायो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने समझ के पढ़ा, होता क्या ना, बायो के बच्चे बायो को रटने लगते हैं, तो अगर आप रटोगे, आप अगर उसमें मगअप करने लगोगे उस चीज को, तो फिर बायो कभी याद नहीं रहने वाला। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, बायो रटने वाला सब्जेक्ट होता ही नहीं है, बायो में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने उसको समझ के पढ़ा ना, तो फिर बहुत मजा आएगा। अब ऐसे टर्म्स हैं बायो में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, बहुत सारे खतरनाक टर्म्स आते हैं और बच्चे वहीं पर अपने साथ क्या होता है कि वो वहां पे हार मान लेते हैं। हमें यही काम नहीं करना है। अगर मैंने इन टर्म्स को बहुत ढंग से समझ लिया ना, तो मुझे ये पूरा प्रोसेस खुद ब खुद एक पिक्चराइज होने लगेगा और मुझे एनसीईआरटी का बुक उठाना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मेरे पास वो कैरिकेचर ड्रॉ होने लगेगा, वो एक इमेज बनने लगेगा और उस इमेज के अकॉर्डिंग मैं आंसर करके आऊंगा। दैट वी आर गोइंग टू डू। यस, गुड मॉर्निंग रवि रंजन। तो ये सब करना है, तो इसलिए मैं कहता हूं बायो साइंस के तीनों सब्जेक्ट तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिजिक्स को भी नहीं डिनाई कर सकता, केमिस्ट्री को भी नहीं कर सकता, बायो को भी नहीं कर सकता, बट बायो आपको लिविंग बींग्स के बारे में बताता है और लिविंग बींग्स खुद में काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसे मगअप थोड़ी कर सकते हैं, उसे रट थोड़ी सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को तो समझा जा सकता है। तो इसलिए बायो को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको इन सारे टर्म्स के साथ ना बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, फेमिलियर कर दूंगा। इसलिए आज सेशन में बने रहो, अपने फ्रेंड्स को बता दो कि अगर तुम्हें समझना है कि बाइवेलेंट क्या होता है, टेट्राड क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होती है, ये पेयरिंग किस तरीके से होती है, काइजमाटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो ये समझने के लिए आपको आज का सेशन करना ही होगा, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो इसको एक बार हटा देते हैं और समझते हैं इस बात को। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात यहां पर करें मियोसिस की, हम बात कर रहे हैं, तो मियोसिस में होता क्या था, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता था। एक बात समझना आप सभी, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता था, इसका मतलब क्या था। देखो,
अगर मैंने आपको बताया था कि मियोसिस स्पेशल सेल्स में होता है और स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं मियोसाइट्स, याद आ गया आप सभी को। मियोसिस किस में होता है? मियोसिस स्पेशल सेल्स में होता है, जिसको हम कहते हैं मियोसाइट, जो कि गैमिट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मियोसाइट्स, जैसे कि आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ह्यूमंस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमिट बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसाइट्स खुद क्या होते हैं? डाइप्लॉइड होते हैं। तो मियोसाइट्स डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं जो क्या कराते हैं? मियोसिस कराते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि मियोसाइट्स खुद क्या होगा? डाइप्लॉइड होगा, और मियोसिस करा करके ये क्या बना देगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बना देगा। क्यों इसकी जरूरत है, क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो एक मेल का अगर मान लो गैमीट आ जाए, ठीक है, अगर हमें ये बात पता है कि अगर मैं फर्टिलाइजेशन देखने लगूं, मान लो कि वहां पे मियोसिस नहीं है, सिर्फ माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होता ही नहीं है, जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट बॉडी का है वही रहेगा। तो मान लो यहाँ पे ये मेल है, तो मेल डाइप्लॉइड होता है, हम ह्यूमंस डाइप्लॉइड होते हैं, तो डाइप्लॉइड हैं, तो इससे क्या हुआ, गैमीट भी मान लो डाइप्लॉइड बन गया। क्यों? क्योंकि यहां पर मियोसिस नहीं होकर के माइटोसिस हो गया, तो माइटोसिस होने की वजह से यहां पे मेरे पास क्रोमोसोम नंबर डाइप्लॉइड ही आ गया। उसी तरह से फीमेल के अंदर भी क्या होता है, डाइप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो गैमीट बना वो भी डाइप्लॉइड का डाइप्लॉइड ही रह गया, वहां पे मियोसिस नहीं हुआ, माइटोसिस हुआ, तो वो रह गया। अब ये आपस में गैमिट्स फ्यूज करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब ये गैमिट फ्यूज करेगा तो जो जायगोट बनेगा वो 4n नंबर का बन जाएगा, यानी कि ये ह्यूमन होगा ही नहीं, ये ह्यूमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो डाइप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यहां पर तो हम देख रहे हैं टेट्राप्लॉइड कंडीशन, पॉलीप्लॉइड ही दिख रही है हमें। तो हमने यहां से एक बात समझा कि अगर सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से होगा, सेल डिवीजन अगर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से होगा तो क्या दिक्कत आएगी? क्रोमोसोम के जो नंबर हैं आने वाले ऑफस्प्रिंग में वो एक बराबर नहीं रहेंगे, बल्कि क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जो मेरा पहला जनरेशन है, मान लो पेरेंट जो हैं वो तो डाइप्लॉयड हैं, पर इसके जो बच्चे होंगे वो टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे, इनके जो बच्चे होंगे वो 8n हो जाएंगे, और इस तरीके से ये 16n, और ऐसे ये क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने लग जाएगा। और क्या होगा कि हमेशा जनरेशन बदलते ही स्पीसीज बदलने लग जाएंगी, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर के बदलने से तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, यहां तो पूरा का पूरा सेट ही बदल दे रहे हो। तो रिक्वायरमेंट थी हमें जरूरत थी एक ऐसे प्रोसेस की जहां पे क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जाएं, ताकि वो फर्टिलाइजेशन में आ करके फिर से नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन कर ले। इसलिए हम वहां पर क्या करते थे कि यहां पर हम क्या करने लग गए थे, तो देखो यहां से ध्यान से समझना, माइटोसिस से तो ये काम नहीं हो पा रहा था, तो हमें अब क्या करना था कि एक ऐसा प्रोसेस लाना था जिससे क्या हो सके कि क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो, है ना। तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो 2n था, तो इससे ये n हो जाएगा, कैसे होगा? तो ये होगा मियोसिस से। तो मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हुए, n और n हुआ, तब जब ये n कंबाइन करेगा तो अगेन एक जायगोट जो बनेगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी डाइप्लॉइड होगा। और इस तरीके के प्रोसेस के लिए हमें मियोसिस की रिक्वायरमेंट थी। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस, न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ओम सर। तो ये सारा चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमें जरूरत है। तो मियोसिस बोर्ड्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके नीट, देखो अब आप सोचोगे सर बोर्ड्स में क्यों आएगा, सर 11th का चैप्टर है। याद करो, आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे, आप जब क्रोमोसोम वहां पर आप जब पढ़ोगे द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस, तो वहां पर भी तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ना। आपके रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस की बात होती रहती है, तो इसलिए मियोसिस और माइटोसिस को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहुत डिटेलिंग में चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए ये चीजें। यहां तक बात सबको समझ में आ गया? यस। नहीं, आज टॉपिक का लास्ट नहीं है, टॉपिक लास्ट हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें समझा रहा हूं। तो प्रोफेज वन का जो ये मियोसिस फर्स्ट है ना, इस सॉरी मियोसिस फर्स्ट का जो ये प्रोफेज फर्स्ट है ना,
ये पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया कि मियोसिस हम करा क्यों रहे हैं। यहां पे मैंने क्या समझाया आपको, मियोसिस क्यों करा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। मियोसिस होता किसमें, नीट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि मियोसिस होता किसमें, मियोसाइट्स में होता है। मियोसाइट्स खुद क्या होते हैं, मियोसाइट खुद डायप्लॉयड क्रोमोसोम सेट वाले सेल्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर मियोसिस होकर के फिर ये डायप्लॉयड हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है। तो ये मियोसाइट्स हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ और। अब अगर मैं बात करूं मियोसिस के साइकिल की, तो ये मियोसिस के साइकिल में आप सबको पता है कि मियोसिस के साइकिल में भी क्या होगा, सबसे पहले एक जी1 स्टेज होगा, फिर होगा एस स्टेज, फिर होगा जी2 स्टेज, है ना। तो इस तरीके से स्टेजेस होंगे। तो एक बार मैं कर देता हूं, ये है आपका जी1 स्टेज, ये हो गया आपका एस स्टेज, जी2 स्टेज, ठीक। इसके बाद क्या हो रहा, इसमें आप माइटोसिस में पढ़ते थे कि माइटोसिस के अंदर क्या हो जाता था, कि माइटोसिस में आप कहते थे ये आपका एम फेज है, माइटोसिस में ये आपका एम फेज होता था, जिसमें आपको पता था एक प्रोफेज होता था, एक मेटाफेज होता था, एनाफेज होता था, टीलोफेज होता था और साइटोकाइनेसिस हो जाती थी। लेकिन यहां पर हमारे को एक बात समझना है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा। मियोसिस हमें पता है मियोसिस में दो साइकिल्स चलते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट चलता है और एक मियोसिस सेकेंड चलता है। तो अब इस बात को समझना आप सभी, मियोसिस के समय में क्या होगा कि मियोसिस के समय में इस तरीके से ये होगा मियोसिस फर्स्ट और ये होगा मियोसिस सेकेंड। ये बात आप सबको समझना है। अब आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि ये बीच का एक स्टेज आपको नजर आएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का एक स्टेज नजर आता है। इस बीच के स्टेज को ही हम कहते हैं इंटर काइनेसिस। मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया था ना आपको, दो मियोसिस के बीच के स्टेज को, दो मियोसिस के बीच के स्टेज को, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच के स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, बीच के स्टेज को हम कह रहे हैं इंटर काइनेसिस। क्या कह रहे हैं, इंटर काइनेसिस, ठीक है, ओके। अब ये जो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम कहते हैं इंटरफेज। ये है इंटरफेज। तो इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या चेंज हो गया, क्या अलग हो गया, वो आप समझ गए। इंटरकाइनेसिस क्या हो रहा है, इंटरकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का है, जबकि इंटरफेज अगर हम कहें तो इंटरफेज ये पूरा का पूरा स्टेज है, यानी मियोसिस के अंदर भी इस तरह का काम होता है। याद करो, लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो मैंने कहा था मियोसिस के दौरान दो बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो बार सेल डिवाइड होंगे, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो यहां पर सिर्फ एक बार में ही तो हुआ, एस फेज के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेट किया, जबकि यहां पे न्यूक्लियस भी दो बार डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस यहां पे डिवाइड करेगा और सेल भी डिवाइड करेगा, उसी तरह से यहां भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल भी डिवाइड करेगा। तो दो बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो बार सेल डिवाइड होंगे, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आंसर होगा नहीं होता है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस के दौरान हमने पढ़ा ही नहीं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। लेकिन क्या इंटरफेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो हाँ इंटरफेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये बात भी आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, इसके बाद ध्यान ये रखना है कि मान लो आपके पास सेल जो था, आपने जब स्टार्ट किया तो आपको पता है डीएनए कंटेंट, अगर मैं यहां पर देखूं तो आप सभी को याद आ गया कि डीएनए कंटेंट अगर 2C था तो एस फेज में आके डीएनए रेप्लिकेट करके 4C हो जाता है, याद आ गया। डीएनए का इनिशियल अमाउंट, ये मैं कह रहा हूं कि ये टी इज 0 टाइम पर है, यानी इनिशियली अगर डीएनए का कंटेंट 2C था तो एस फेज में आके वो डुप्लीकेट कर जाएगा, रेप्लीकेट कर जाएगा, 4C हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। G2 में भी तो 4C ही रहेगा, क्योंकि एक ही बार रेप्लीकेट होता है, यहाँ पे रेप्लीकेट हुआ, आगे भी 4C होगा, और यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा तो इस स्टेज में भी 4C रहेगा, लेकिन यहाँ पर सेल आपको पता है कि डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और अल्टीमेटली जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस पूरी कंप्लीट कब होती है, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, तो कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, और इन चारों सेल्स के अंदर जो डीएनए कंटेंट होगा वो CCC डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों सेल के पास सी अमाउंट ऑफ डीएनए चला जाएगा। तो ये होता है आपको पूरे सेल साइकिल में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये समझना हमें जरूरी है और ये इन चीजों को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो डीएनए के साथ जो आपकी कंडीशन चलेगी वो भी मैंने आपको समझा दिया। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो आप जल्दी से लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें और मुझे थम्स अप के साइन भी दिखाएं। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को, अगर उन्हें समझ में आ गया तो लाइक जरूर करो और बता दो मुझे थम्स अप का साइन चैट बॉक्स में दे करके कि हाँ यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं।
तो मैं आगे अब चलता हूं। ये सौरभ पहला क्लास है, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ई करियर पॉइंट नीट चैनल को आप सब्सक्राइब जब करोगे तभी आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी, और तभी आपके लिए ये जो नीट की प्रिपरेशन है उसको प्रॉपर एक आपको क्या स्केड्यूल मिल पाएगा, और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सबको ये बात समझ में आ गई, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यस, मियोसिस टू में लेस टाइम लगता है ना सर एज कम्पेयर टू मियोसिस फर्स्ट? यस, मियोसिस फर्स्ट होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मियोसिस सेकेंड तो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, तो मियोसिस फर्स्ट थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन का वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, हम इसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाओ, ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप लिखो और लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर लॉगिन करने के बाद क्या करोगे कि मेडिकल कोर्सेज सेलेक्ट करोगे, मेडिकल कोर्सेज के फ्री स्टफ्स में जाओगे, फ्री स्टफ्स में जा करके आपको ये सेल साइकिल का जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो वहां आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से वहां पे चीजें क्लियर रख लोगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। सिंबा इज आस्किंग सर रिडक्शनल डिवीजन डीएनए अमाउंट के बेस पर बोलते हैं क्या? नहीं, रिडक्शनल डिवीजन क्रोमोजोम के नंबर पर बोलते हैं सिंबा, डीएनए के अमाउंट पे नहीं बोलते हैं बल्कि क्रोमोजोम के नंबर पे कहते हैं कि डाइप्लॉयड क्रोमोजोम हैप्लॉयड में चेंज हो रहा है, यानी 2n n में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कह रहे हैं रिडक्शन। क्लियर हो गया? यस, चलिए बहुत बढ़िया। श्रुति सिंह सर पीडीएफ फ्री से स्टफ से नहीं डाउनलोड हो रहा है? देखो, अगर वो डाउनलोड नहीं हो रहा तो मोबाइल से अगर डाउनलोड नहीं होता है तो लैपटॉप और पीसी के हेल्प से करो, हो जाएगा डाउनलोड, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो जिनसे भी पीडीएफ नहीं खुल रहा है वो एक बार कोशिश लैपटॉप और पीसी से भी करें, अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड से जाकर के एक बार डाउनलोड कराने की कोशिश करो, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आ रही है वहां पे। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीजें आप क्लियर कर चुके हो। अब देखो होता क्या है, अब मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर करा रहा हूं जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बोला कि मैं आपको आज बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्म्स क्लियर करा दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम यहां पे लगा हुआ होता है तो क्रोमोसोम के बीच में जो स्ट्रक्चर इनको अटैच करवाता है, इस अटैचिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। याद आ गया सबको? इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रोमियर में आप क्या देखते हो कि ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यहां पर सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, ये जो पार्ट है ये एक क्रोमेटिड होता है। ये क्या होता है? ये एक क्रोमेटिड होता है। ठीक, याद रखना ये बातें जो मैं बता रहा हूं। उसी तरीके से आप यहां पर ये दूसरा वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, क्रोमोसोम का ये दूसरा पार्ट देख रहे हो। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका दूसरा क्रोमेटिड यहां पर दिखाई दे रहा है, यस और नो? ठीक है, दिख नहीं रहा है अगर कलर, तो मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, ओके, तो ये जो आपको दिखाई दिया ये क्या हो गया? ये भी एक क्रोमेटिड हो गया, ये भी एक क्रोमेटिड हो गया। समझ गया ये बात? तो ये जो एक क्रोमोसोम आपको दिखा, ये पूरा का पूरा अगर मैं आपसे पूछूं तो दिस इज वन क्रोमोसोम। ये क्या है? वन क्रोमोसोम है। और इस वन क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं? तो इसमें ये एक रेड वाला क्रोमेटिड हो गया और ये पर्पल वाला दूसरा क्रोमेटिड हो गया, तो वन क्रोमोसोम है। और कितने क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं? दो क्रोमेटिड्स। नीट के अंदर इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि आपको एक डायग्राम दे दी जाती है और पूछ दिया जाता है कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमेटिड्स हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? दो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो इतना सारा कुछ नहीं बताया रखा है, एनसीईआरटी में उसने वर्ड यूज किया है, उस वर्ड को एक्सप्लेन भी तो करना होता है। फॉर दैट वी आर हियर, हम क्यों इस काम को कर रहे हैं? ताकि हम आपको एनसीईआरटी की वो वर्ड्स क्लियर कर पाए। तो समझना इस बात को, क्रोमोसोम तो एक है पर इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं? दो हैं। और ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं ये आपस में क्या होंगे? ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या होंगे? ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, इन्हीं को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखो, इसलिए मैंने आज कहा है कि नोटबुक लेके बैठना ताकि आप भी इन बातों को ध्यान रखो। यहां पर आप एक क्रोमोसोम देख रहे हो, एक क्रोमोसोम के आप दो क्रोमेटिड्स देख रहे हो, दो क्रोमेटिड्स आपस में कनेक्टेड किससे है? तो आपस में कनेक्टेड होता है सेंट्रोमियर से। किससे कनेक्टेड होता है? सेंट्रोमियर से। तो अगर मैं कहूं कि एक सिस्टर क्रोमेटिड वन सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होता है तो मेरा स्टेटमेंट सही होगा। मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो वन क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड होगा।
तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर रखना है, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं हम कि अब इस पे समझते हैं कि होमोलोगस क्रोमोजोम, जो ये नाम हम लेते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, वो क्या होता है वो भी देख लो, आप समझना उस बात को भी, ठीक है। मैं अब ये हटा रहा, ये तो आप सभी समझ गए थे, इसमें कोई से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहते हैं, क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं, और सेंट्रोमियर क्या होता है, मेरे ख्याल से ये सबको बात समझ में आ गई है। चलिए मूव करते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, एक और क्रोमोसोम यहां पर बना दिया, ठीक है, सेम साइज का है, सेम शेप का है, कलर में यहां पे अलग कर रहा हूं, लेकिन उससे आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस समझना है कि ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो अब इस बात को समझना, इसमें भी अगर ये मैं रेड वाला पार्ट बना रहा हूं तो ये क्या हो गया, एक क्रोमेटिड हो गया, ये क्या हो गया, एक क्रोमेटिड हो गया, ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर मौजूद है, ओके। और मैं उस तरफ बना दूं पर्पल कलर से ताकि आपको बातें समझ में आए, कलर आप सेम याद रख पाऊं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये दोनों जो क्रोमोसोम मैं बना रहा हूं, दिस इज क्रोमोसोम ए एंड दिस इज क्रोमोसोम बी, ठीक है, ये दोनों जो मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, इन दोनों क्रोमोसोम के बारे में अगर मैं आपको कहूं तो यहां पे इस बात को याद रखना कि ये सेम साइज के हैं, हालांकि साइज आपको सेम दिख नहीं रहा है क्योंकि ह्यूमन है मैंने बनाया है तो थोड़ा सा अलग वहां पे दिख रहा है, लेकिन आप दिमाग में रखना ये सेम साइज है और सेम शेप है, सेम साइज और सेम शेप है। तो जब दो क्रोमोसोम सेम साइज के और सेम शेप के दिखाई देते हैं तो ये दो क्रोमोसोम जब सेम साइज और सेम शेप के दिखते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये एक वर्ड आप सुनते रहते हो ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो क्रोमोसोम्स जो कि सेम साइज के होंगे सेम शेप के होंगे उनको हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यस। सेंट्रोमियर का रोल क्या है, सोमेजास की सेंट्रोमियर का रोल क्या है, याद करो माइटोसिस अगर पढ़ा था आपने तो सेंट्रोमियर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सेंट्रोमियर का रोल है कि क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, पहला बात हो गया। दूसरा सेंट्रोमियर का काम क्या है कि जब एनाफेज स्टेज आता था तो यही तो सेंट्रोमियर क्या करते थे, क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ लेके जाते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रोमियर का, ये बात ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, सेम साइज और सेम शेप वाले हो गए, ये बात हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो हुआ क्या, कंप्लीटली कंडीशन क्या हो रही है वो समझते चलना आप सभी। तो यहां पर मान लो, यहां पर अब क्रोमोसोम्स पे होता क्या है, जीन्स मौजूद होते हैं और जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो ये चैप्टर मैं जरूर सेल साइकिल पढ़ा रहा हूं पर आप जेनेटिक्स के अंदर भी इस चीज को समझने की कोशिश करना, आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो जीन्स और एलील के कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लो मैंने कहा कि यहां पर कोई आर एलील मौजूद है, ठीक है, आर एलील मौजूद है, तो ये जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम का ये जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहा है ये बेसिकली इसका रेप्लिकेटेड कॉपी ही तो होता है, इसका एक कार्बन कॉपी ही तो होता है। तो अगर इस पे आर दिख रहा है तो यहां भी आर ही दिखेगा, कैपिटल आर दिखेगा। और यहां पे अगर आपको मैं अगर कहूं कि स्मॉल बी एलील दिखाई दे रहा है तो यहां भी स्मॉल बी एलील दिखाई देगा। अब ये जो आपका दूसरा क्रोमोसोम है जिसको मैं ला रहा हूं सेम साइज और सेम शेप का, इस पे क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स दिखने को मिलेंगे हमें। तो देखो कॉन्ट्रास्टिंग एलील देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रास्टिंग एलील में क्योंकि यहां पे कैपिटल आर था तो यहां पे स्मॉल आर होगा, तो यहां भी स्मॉल आर होगा, यहां पे स्मॉल बी था तो यहां पे कैपिटल बी होगा और यहां पर कैपिटल बी होगा। ये बात हमें समझना है, क्यों हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, क्योंकि मियोसिस में हमें इनको क्रॉस कराना है, हमें इनका क्रॉसिंग कराना है, तभी तो हम देखेंगे ना क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कैसे काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है। तो मैं इन बातों को करने से पहले पहले मैंने सोचा आपको कि पहले इन सारे टर्म्स को मैं क्लियर कर दूं, ताकि जेनेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है कि कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रही है, कैसे इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग वी हैव टू स्टडी दिस। ओके ओके ताइवा सिंह, अब जेनेटिक्स पढ़ा देना, ओके बिल्कुल, जेनेटिक्स के ऊपर एक एमसीक्यू सेशन तो ला ही रहे हैं और जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो समझ में आप सभी को आ गया, आपको ये बात समझ में आ गया कि किस तरीके से एलील्स की पेयरिंग करते हैं। तो ये एलील्स की पेयरिंग भी आप देख लीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में यहां पे कितने क्रोमोसोम आपस में आके मिले हैं, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं इसलिए इसी कंडीशन को हम कहते हैं बाइवैलेंट, इसी को हम क्या कहते हैं बाइवैलेंट कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं बाइवैलेंट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाइवैलेंट कंडीशन, ठीक है। अब टोटल कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, यानी बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर कितने क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ये हो गया एक, ये हो गया दो,
ये एक क्रोमेटिड है ना, दिस वन इज वन क्रोमेटिड, दिस इज द अनदर क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड हो गए, ये हो गया तीन और ये हो गया चार। तो टोटल कितने क्रोमेटिड्स दिखाई दिए? फोर क्रोमेटिड्स दिखाई दिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेट्राड। और टेट्राड हमेशा कब दिखेगा? जब वाइवेलेंट कंडीशन आएगी तभी तो टेट्राड दिखेगी। तो वाइवेलेंट और टेट्राड टर्म यूज किया जाता है, यानी वाइवेलेंट हम कहें या टेट्राड कहें बात क्लियर हो जाती है। अब एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो आपको वो टर्म मिलेगा बाइवेलेंट और टेट्राड, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाइवेलेंट का मतलब हुआ दो क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और टेट्राड का मतलब क्या है? टेट्राड का मतलब है कि ये जो चार क्रोमेटिड्स बन रहे हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? टेट्राड कंडीशन कह रहे हैं। ठीक है, अब जब मियोसिस में पढ़ाऊंगा, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं बोलूंगा लेप्टोटीन में ऐसा हुआ, जाइगोटीन में कुछ ऐसा हुआ, तो अब आपको एक टर्म समझ में आने लग जाएगा कि क्यों वहां पर इन चीजों की कंडीशन बन रही है। अब एक बात देखना और अब इसमें से समझने की कोशिश करना। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई। पहले ये बता दो मुझे, यहां तक ये बातें क्लियर हो गई तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप के साइन दिखा दो कि हाँ यहां तक क्लियर हो गया। हिना इज आस्किंग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेम साइज और सेम शेप वाले होते हैं तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। क्लियर हो गया? ओके, चलिए यहां तक बातें आपको समझ में आ गई है। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना वो मुझे चैट बॉक्स में बताना आप सभी। ओह शिट, ओके चलो ठीक है, मैं देखता हूं इसको, फिर से इसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना लेते हैं, है ना। तो एक बार फिर से बना के देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको एक ये वाला क्रोमोसोम दिया, ठीक है, इसके साथ मैं एक और कलर यूज करूं, हाँ उसके साथ एक और ये क्रोमोसोम था, ठीक। नेक्स्ट हमने फिर देखा कि एक और हम सेम तरह के क्रोमोसोम्स को लेके आएंगे, सेम शेप सेम साइज वाले। मैं तो यहाँ कलर अलग अलग यूज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बातें समझा सकूँ, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये वाला जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, दिस क्रोमोसोम, ये हो गया, ये क्रोमेटिड है, ये फर्स्ट क्रोमेटिड है, ये सेकंड क्रोमेटिड है, ये वाला थर्ड क्रोमेटिड है, और ये वाला आपका फोर्थ क्रोमेटिड है, ठीक है। तो चार क्रोमेटिड्स दिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे थे टेट्राड कंडीशन बन रहा है। क्रोमोसोम्स भी हम समझ गए, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हाँ बिल्कुल, रिपीट कर रहे हैं तो समझते चल जाओ कि ये दोनों क्योंकि सेम शेप सेम साइज के होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में जो अटैचमेंट है, ठीक है, इसका अटैचमेंट जो इसके साथ हो रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रोमियर कह रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्रोमेटिड, ये मुझे आंसर चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में कैसा क्रोमेटिड है? सिस्टर क्रोमेटिड है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है? तो आंसर मुझे जल्दी से बताना। फर्स्ट और सेकंड क्रोमेटिड जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिस्टर क्रोमेटिड है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर चाहिए आपके। यस, टेल मी फर्स्ट, एक आंसर करते जाओ तो आपको खुद ब खुद चीजें रिवाइज हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड क्रोमेटिड जो आपको दिख रहा है वो सिस्टर है या नॉन सिस्टर है? बहुत बढ़िया, हीना ने कहा सिस्टर क्रोमेटिड, सिम्बा सिस्टर, राजीव कुमार रंजन सिस्टर, दुष्यंत सिस्टर। इसका मतलब आप समझ गए हो कि फर्स्ट और सेकंड यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रवि रंजन गलत है आपका आंसर, नॉन सिस्टर गलत है, सिस्टर क्रोमेटिड इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना ये तो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, तो जिन लोगों ने क्लास स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गया कि ये दोनों तो आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर मैं पूछूं थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान से बताना मुझे, थर्ड एंड फोर्थ भी क्या होगा? थर्ड और फोर्थ है वो आपस में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड होगा या नहीं होगा? थर्ड और फोर्थ, यस जल्दी बता दो आप, थर्ड और फोर्थ। यकूब नॉन सिस्टर वाला पार्ट आपका गलत है, ये जल्दी से बता दो, थर्ड एंड फोर्थ होमोलोगस तो क्रोमोसोम्स है, मैं क्रोमेटिड्स पूछ रहा हूँ बायोलॉजी चैनल, क्रोमोसोम पूछ रहा नहीं मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ क्रोमेटिड्स के बारे में, थर्ड और फोर्थ कैसा क्रोमेटिड है? यस वेरी गुड, हीना हया फातिमा ताइबा सिम्बा विवेक सब सही हो, अशरफुल नॉन सिस्टर गलत है, सिम्बा सिस्टर, यस बिल्कुल, थर्ड और फोर्थ भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्यों सिस्टर क्रोमेटिड्स है? एक बात याद तो रखो, मैंने क्या कहा था, जो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच्ड होंगे वो क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड होता है। तो यहाँ पे ये दोनों तो सिस्टर सेंट्रोमियर से अटैच्ड है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? सिस्टर, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ भी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बारे में पूछूं, टू एंड थ्री, सेकेंड
एंड थर्ड। अब बताओ आप सेकेंड और थर्ड कैसा हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड सिस्टर या नॉन सिस्टर, सिस्टर या नॉन सिस्टर, सेकेंड और थर्ड के बारे में बताना, यानी ये आपका सेकेंड है ये आपका थर्ड है, सेकेंड और थर्ड में कैसा है, सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो रहा है, सिस्टर या नॉन सिस्टर कंडीशन। यस वेरी गुड हया, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 में डिफरेंस है ना। रवि आते हैं आपके डाउट पे। हया, दुष्यंत, आयबर, राजीव कुमार, रंजन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों ने तो आज बिल्कुल बहुत सही काम किया कि पढ़े हो और पढ़ने के बाद आप आंसर्स कर रहे हो और बिल्कुल सही आंसर्स कर रहे हो। यस 110% सही हो आप सभी। ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं। मजा आ गया, आपको भी समझ में आ गया, और यहाँ पर जब आप आंसर करने लगते हो तो हमें भी लगता है कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं ना वो आपको समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर है, गुड। तो ये जो सेकेंड और थर्ड है ना ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसलिए आप एक टर्म पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो एनसीईआरटी में, कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर दो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। क्यों हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये वाला जो लाइन आपका है उसको मैं एक्सटेंड करूं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया और ये जो रेड वाला है उसको भी मैं एक्सटेंड कर दूं, तो ये आपस में आकर के इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्रॉस करने लग जाएंगे ना, ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी वो किसके बीच में हो रही है, ये वाला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी आपस में होमोलोगस है, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन जो सेकेंड क्रोमेटिड है और थर्ड क्रोमेटिड है ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रॉसिंग ओवर में हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर को हम कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्या ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मीनिंग समझ में आ गया कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, यस और नो, यस और नो, ये समझ में आ गया आप सभी को कि नॉन सिस्टर और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये स्टेटमेंट आपको समझना है। विवेक गोयल, सिस्टर एंड होमोलोगस, नहीं गलत है, क्रॉसिंग ओवर अगर आप पढ़ोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में बताया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, आपको जो मैं बात समझा रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे बिल्कुल एकदम ध्यान समझना है। रवि सिंह, अशरफ, मैं 1, 2, 3, 4 में बोल रहा हूँ, 1, 2 क्लियरली समझ आ रहा है, सिस्टर ही होगा, ठीक है रवि, तुम्हारा जो डाउट है उसको उस पर आ रहे हैं। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम क्रॉसिंग ओवर के लिए ये जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मैंने क्यों इतना डिटेल में ये बातें बताई हैं, क्योंकि नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। आंसर जाएगा क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ये बात क्लियर हो गया सबको। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो होमोलोगस के बीच में हो रही है या नॉन होमोलोगस। अब क्या होता है, दिमाग ना चक्कर खा जाता है, ये होमोलोगस नॉन होमोलोगस सिस्टर नॉन सिस्टर वाला कंडीशन में ना बहुत दिमाग खराब होता है। अब लेकिन आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब क्यों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लिया कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कह रहे हैं, बाइवेलेंट कंडीशन किसको कह रहे हैं, टेट्राड कंडीशन किसको कह रहे हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर है, ठीक है। तो बिल्कुल तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो जिनके जो थोड़े बहुत डाउट आ रहे हैं ना वो मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूं। तो फिलहाल तो इतनी बातें जो समझ में आ गई वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इन बातों को समझना, तो जिन लोगों ने अभी तक चीजों को समझा नहीं है वो जल्दी से नोट डाउन भी करते जाओ, चीजें क्लियरली समझते चल जाना है और नोट डाउन भी करते चल जाना है, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर आप देखो तो ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है इनके बीच में क्या होता है ना, प्रोटीन्स होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है जो इन होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच करके रखता है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ये जो अटैचमेंट आ रही है, ये जो बीच में अटैचमेंट हो रही है जिस प्रोटीन से, इस प्रोटीन का ही नाम होता है साइनेप्टोनेमल, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, नाम सुना है आप सभी ने, साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने लगती है, पेयरिंग ही हो रही है ना, ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, ये दोनों क्योंकि सेम साइज के थे, सेम शेप के थे, तो ये आपस में पास में आ गए, पास में आ गए तो इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग जब होती है तो उसके लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन कौन सा है, देन द आंसर इज साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नीट का एक और ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया कि जिस समय पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की उस समय किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या हो गया, उस प्रोटीन का नाम हो गया साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यस राजीव, जाइगोटिन में क्या विजिबल होगा नहीं होगा वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो अभी आपको सिर्फ टर्म्स क्लियर कर रहा हूं ताकि जब मैं आपको बोलूं कि लेप्टोटीन में ऐसा हो रहा है, जाइगोटिन में ऐसा हो रहा है, तो अब आप समझ पाओ होता क्या है। हम बिना इन टर्म्स को समझे हुए चले जाते हैं लेप्टोटीन और पैकेटीन वगैरह समझने में, और वहां पर जाके रायता फैल जाता है, वहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आता है। अब देखना कि जब मैं उन टर्म्स को पढ़ूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग में हेल्प करने वाला प्रोटीन हो गया। अब एक और टर्म होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, वो जंक्शन पॉइंट जो बनता है, यानी क्रॉसिंग ओवर जहां पे हो रहा है, आप यहां पे देख रहे हो ना, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जिस पॉइंट पर होता है उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। तो एक और टर्म आपको पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल क्रॉसिंग ओवर के दौरान, और क्रॉसिंग ओवर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में बनता है, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो इनिशिएशन पॉइंट है जहां से क्रॉसिंग ओवर शुरू होगा उसी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी क्लियर कर दिया, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स भी आपको क्लियर कर दिया। तो ये सारे टर्म्स जब आप समझ चुके हो तो फिर अब तो पढ़ना आसान हो गया ना। अब मान लो कि मैंने कह दिया कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, तो आप समझ जाओगे इस टर्म का मतलब। जब मैं आऊंगा लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में, तो मैं मान लो वहां पे जाइगोटीन में कहूंगा कि जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है ना पेयरिंग की जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो तो साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। पेयरिंग होता क्या है, जो सेम साइज और सेम शेप के होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास में आकर के ज्वाइन करने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं, उसको पेयरिंग कह रहे हैं। और पेयरिंग के इस प्रोसेस को ही तो हम साइनेप्सिस कहते हैं, इसी को तो हम साइनेप्सिस कहते हैं। अब देखो आपको सारा बात याद आ जाएगा, लास्ट क्लास में मैंने कीवर्ड्स दिए थे और आज की क्लास में इन चीजों को किया है। अगर अब मैं आगे पढ़ाता भी नहीं हूं कि पैकेटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, तो कोई इश्यूज नहीं है। अब तो आप वहां से लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर को अगर कोरिलेट कर लोगे तो वैसे ही चीजें समझ जाओगे। आप वहां से समझ जाओगे कि अच्छा साइनेप्सिस तो सर ने कहा था जाइगोटीन में होता था, और साइनेप्सिस का मतलब क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे आपस में पेयर करेंगे, उसको हम कह रहे हैं साइनेप्सिस। ये बात वहां से समझ में आ गया। फिर सर ने कहा था साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है, तो ये तो कंफर्म बात है ना कि जब साइनेप्सिस होगा तभी तो बीच में उस प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, यानी साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी तो जाइगोटीन के दौरान ही बनने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप सभी को। फिर मैंने कहा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आएगा वो आपस में आता क्यों है, ताकि वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सके, क्योंकि मियोसिस वेरिएशन लेके आता है, तो जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो सके, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो मुझे नेक्स्ट स्टेज में दिखाई देगा, दैट इज पैकेटिन में दिखाई देगा। तो इसलिए पैकेटिन में हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। हम ये होमोलोगस क्रोमोसोम में बाइवेलेंट और टेट्राड कंडीशन देख तो रहे हैं, पर इसकी विजिबिलिटी सबसे प्रॉपर कहां पे दिख जाएगी, वो मुझे पैकेटिन में दिख जाएगी, यानी कि शुरू तो हो जाएगा जाइगोटिन में लेकिन दिखेगा प्रॉपरली कहां, पैकेटिन में। तो देखो कितने आराम से अब चीजें आपको याद होती चल जा रही हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने समझ के पढ़ा। जब समझ के पढ़ते हैं ना तो फिर आगे चीजें पढ़ने की जरूरत तक नहीं पड़ती है। अगर दिमाग थोड़ी सी प्रोसेस करने लगे, आप अपने शातिर दिमाग को यूज करने लग जाओ, तो फिर आपको एनसीईआरटी उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सारे आंसर्स करोगे। तो होता क्या है, शुरुआत में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार समझ में जब आ जाता है ना तो आप 3 घंटे के जगह पे 1 घंटे में ही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, और इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी।
और स्मार्ट स्टडी में हार्ड वर्क इन्वॉल्व हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इतना समझाने के जगह पे मैं डायरेक्ट ये बोल सकता था कि देखो ऐसा होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं, पेयर होते हैं, तुम्हारे को भी इतनी समझ में आना था और मैंने जो बोला उसमें मेरे को बहुत कम एफर्ट लगता, तो मैंने क्या होता कि मैंने बहुत ही कम काम किया, आपको भी नहीं समझ में आया। तो हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना तो इनपुट अच्छा नहीं जाएगा आपके अंदर, फिर आप आउटपुट नहीं दे पाते हो। हार्ड वर्क था तभी तो अब स्मार्ट वर्क होने वाला है, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया, आपको एक एक चीज समझाया है। अब देखना है स्मार्ट वर्क क्या होगा। मैं अब आप आऊंगा और बोलूंगा कि देखो लेप्टोटिन में ये स्टेज बन गया, पैकेटिन में ये बन गया, और आप बहुत इजीली सब समझते चल जाओगे कि अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ सर ने समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? समझ में आया हार्ड वर्क कैसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है? यस सिंबाई सिंह, सर पता ही नहीं चला 45 मिनट हो गए। बिल्कुल, अगर चीजें समझने लगते हो ना तो फिर टाइम ड्यूरेशन आपको पता भी नहीं चलना चाहिए, तो मजा तभी आता है। ठीक है, चलिए आज एमसीक्यू देखो। एक बात बताओ, क्विजेज और एमसीक्यू तो मैं कराता ही रहता हूँ, आज तो जरूरत ही नहीं है ना, आज तो हमने इतनी इंटरैक्टिव चीजें सीखी हैं, तो आज एमसीक्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बेसिकली समझाना होता है तब एमसीक्यू करा सकते हैं और विद इन द टाइम लिमिट्स करा सकते हैं, तो टाइम हमारे पास आज है नहीं कि एमसीक्यू कर पाए। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यस yes, बहुत बढ़िया, सबको ये बात क्लियर हो गया, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आए तो सेशन को लाइक भी करें, ये बात आप सभी समझ गए तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब रवि मेरे से एक बार 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 ये चीज़ पूछ रहा था कि सर वन और टू तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, पर मैं ये थ्री और फोर वाला नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसको मैं समझाने की कोशिश थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बच्चे मेरे ख्याल से समझ गए थे इन बातों को कि क्यों मैं ये कह रहा था लाइन्स। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया था तो देखो। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा था कि ये वाला क्रोमेटिड वन है, ये क्रोमेटिड टू है, ये क्रोमेटिड थ्री है और ये क्रोमेटिड फोर है। ठीक है, ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, दिस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ए है और ये क्रोमोसोम बी है। तो दो क्रोमोसोम है ना हमारे पास, एक ये वाला क्रोमोसोम, एक ये वाला क्रोमोसोम, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्रोमोसोम ए का जो वन और टू है, ये दोनों एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, इसलिए ये वन और टू आपस में क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये तो अभी आप समझ चुके थे। ठीक है, उसी तरह से आप थ्री और फोर को भी देखो तो ये बी क्रोमोसोम है, तो बी क्रोमोसोम में ये जो थ्री और फोर है ये भी एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, तो जब सेंट्रोमियर से अटैच्ड है तो ये थ्री और फोर भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड ही होंगे। लेकिन अगर मैं दो को और तीन को देखूं, दो और तीन को देखूं, तो देखो दो और तीन आपस में सेंट्रोमियर से अटैच नहीं है, तो सेंट्रोमियर से अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड और थर्ड नॉन सिस्टर है, थर्ड एंड फोर्थ सिस्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टर है। रवि समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलिए तो ये पॉइंट्स पे आपको क्लियर हो गए, यानी कहीं पर भी किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं हो रहा है। तो जब आप सेशन को पसंद करते हो तो लाइक तो करते ही हो, साथ साथ शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट्स आप समझ गए, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं आता हूँ थ्योरी पार्ट पे। अब आ जाएं थ्योरी पार्ट पे। आप सभी को याद है मैंने कहा था कि प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो मियोसिस की सबसे लंबी फेज होती है और कॉम्प्लेक्स फेज होता है, क्योंकि इसके अंदर पांच सब डिवीजन थे, याद आ गया सबको, लालू जरा पानी दे देना, यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, है ना, फिर क्या होता था, डिप्लोटीन एंड देन द डायकाइनेसिस, याद आ गया सबको, ये सारे पॉइंट्स आपको याद आ गए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कितने फाइव सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है एंड देन फाइनली डायकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक, लेप्टोटीन में क्या होता है कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स आकर के अटैच होने लगते हैं, यानी कि वो कंडेंस होने लगते हैं, तो आपको तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि लेप्टोटीन के दौरान कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, ये लाइन याद रखना बस, लेप्टोटीन के दौरान क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होने लगता है, और जब क्रोमोसोम कंडेंसेशन उनकी स्टार्ट होती है तो वो विजिबल होने लगते हैं, इसलिए हम लेप्टोटीन स्टेज को लाइट माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। कहाँ पे इसको देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे इसको हम देख सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने नहीं बताया आपको, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि लाइट माइक्रोस्कोप में कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो लेप्टोटीन के दौरान बनते हैं वो दिखाई दे देते हैं। कोई क्लियर नहीं है, ओके, तो ये भी पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बात हम करें तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्टेज को हम बुके स्टेज भी कहते हैं। क्यों बुके स्टेज कहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे क्रोमोसोम हमें एक सिंगल पॉइंट से निकलता हुआ नजर आता है, ये एक सिंगल पॉइंट है
और इससे ये निकलता हुआ नजर आता है, तो ये एक बुके का अपियरेंस देता है, लेकिन ये बुके अपियरेंस सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये बात भी याद रखोगे। एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, नीट के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि बुके स्टेज हम किसको कहते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर बुके स्टेज लेप्टोटीन है, क्योंकि ये बुके स्टेज सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही दिखाई देगा, तो लेप्टोटीन स्टेज को ही हम यहाँ पे बुके स्टेज कह रहे हैं। तो लेप्टोटीन में तो आप बस क्या क्या बातें याद रखोगे, पहला क्या याद रखना है कि लेप्टोटीन के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, तो कंडेंसेशन जो है वो पूरे लेप्टोटीन के दौरान हो रहा होता है। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि एनिमल सेल्स के अंदर बुके स्टेज बनता है, ये भी हमें क्लियर रखना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, यहां तक बात क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया लेप्टोटीन। तो देखो लेप्टोटीन हमारा हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं आया। अब ये वाला जो डायग्राम है वो बहुत ईजिली आपको याद आ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा, यहां पे आप देख रहे हो कि ये वाला क्रोमोसोम आपका यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है, और रेप्लिकेशन करके इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम था क्योंकि सेम तरह का था, तो आपस में ज्वाइन किया, होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए, क्योंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं इसीलिए हम इसी को बाइवेलेंट कह रहे थे। और बाइवेलेंट टेट्राड कैसे बनता है, तो टेट्राड में ये एक क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड, ये तीन क्रोमेटिड और ये चार क्रोमेटिड, क्योंकि चार क्रोमेटिड है इसलिए इसको हम टेट्राड कह देंगे, खत्म कहानी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो अब बात करते हैं लेप्टोटीन के बाद कौन आएगा, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में तो क्रोमोसोम्स जो थे वो कंडेंस हो गए, जो आपने देख लिया प्रीवियस स्लाइड में, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स जब दिखने थे उसमें सेंट्रोमियर्स दिखाई देने लग जाता है। अब जाइगोटीन के दौरान क्या होगा कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आएंगे एंड बिगिन टू पेयर, एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। याद आ गया, मैंने कहा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जो पेयरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, तो वो साइनेप्सिस यहां पे दिख गया। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मैटर्नल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, यहां पर जो दोनों पेयर्स होते हैं उसमें से एक पेयर हमें मदर से मिलता है और दूसरा पेयर हमें कहां से मिलता है, फादर से मिलता है, तभी तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो पाएगी। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है, और इस वजह से वो दोनों क्रोमोसोम्स, क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, यानी एक मदर से एक फादर से, तो दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो मिलने की वजह से एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के साथ क्रॉस करेगा और वेरिएशन के चांसेस बन जाएंगे। तो ये होता है जाइगोटीन के दौरान। तो साइनेप्सिस आपको जाइगोटीन के दौरान दिख रहा है, साइनेप्सिस का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग। ठीक है, इस समय जेनेटिक मटेरियल वहां पे आप देख रहे हो कि चीजें हो गई, ये क्लियर हो गया। इस दौरान क्या हो रहा है, बाइवेलेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बाइवेलेंट्स मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर है बाइवेलेंट कैसे बन रहा है। दे डेवलप अ स्ट्रक्चर इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज नेम्ड एज साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। याद आ गया, दो होमोलोगस क्रोमोसोम को इंटैक्ट रखने के लिए बीच में प्रोटीन लगा हुआ था, उस प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इट इज कंपोज ऑफ थिक लाइंस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स का ये होता है। तो जो मैंने समझाया उतने देर से, अब उन सबका समराइजेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यस और नो, क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है कि जो भी मैंने अब तक समझाया था वो अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब ये लाइंस अगर आप पढ़ लोगे तो वैसे ही जो भी मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जाइगोटीन्स का। हाँ, जल्दी से करेंगे ये काम। मिरेकल बॉय सेइंग सर देन मियोसिस इज बेटर देन माइटोसिस फॉर इवोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, जहां वेरिएशन के चांसेस बनेंगे वो हमेशा इवोल्यूशन के लिए बेटर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं पैकेटीन। पैकेटीन के दौरान क्या हो गया, जाइगोटीन में हमने क्या क्या देख लिया, साइनेप्सिस हो गया था, बाइवेलेंट्स बनने लग गए थे, यानी टेट्राड कंडीशन अब तो आपको समझ में आता है, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी दिखने लगा था। अब एक बात याद रखना, एनसीईआरटी में एक और बात ये है कि जिस तरह से लेप्टोटीन के लिए हमने कहा कि लेप्टोटीन लाइट माइक्रोस्कोप पे दिखाई देता है, जाइगोटीन भी लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, लेकिन जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स के बीच में बन रहा है ना, तो ये तो खुद ही काफी छोटे स्ट्रक्चर है, तब चलो नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप वहां दिख जा रहा था, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा। वो कहाँ नजर आएगा, वो नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। ध्यान रखेंगे आप ये बात को कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे दिखेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है।
आ गया बात समझ में, क्लियर हो गया? यस। तो ये कहां दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाई देगा। ये बात भी समझ में आ गई आप सभी को। अब देखो पैकेटिंग के दौरान क्या होगा कि ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऑफ ईच वाई वैलेंट बिगेन्स टू स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली इंटू टू सिमिलर क्रोमेटिड्स। जो बाइवैलेंट्स बने थे अब ये आपस में क्या होंगे कि बाइवैलेंट जो है वो आपस में अटैच होंगे और यहाँ पे दो सिमिलर क्रोमेटिड जो है वो एक्सचेंज करना स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स को, ठीक है। एज अ रिजल्ट ईच बाइवैलेंट नाउ शो फोर क्रोमेटिड, दिस स्टेज इज कॉल्ड टेट्राड स्टेज। ये स्टेज है टेट्राड स्टेज क्योंकि चार क्रोमेटिड्स आपको दिखाई देंगे, तो बाइवैलेंट क्या हो जाएगा? चार क्रोमेटिड्स में नजर आएगा और इसीलिए हम इसी को कहेंगे टेट्राड स्टेज। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। चलिए हाँ, पैकेटिन, पैकेटिन जो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज जो होता है जिसमें एक्टिविटी हो रही है, तो वो लॉन्गेस्ट एक्टिविटी स्टेज हो जाती है प्रोफेज। लेकिन आगे चलना तो मैं एक और बात क्लियर करूंगा डिप्लोटीन के बारे में कि डिप्लोटीन सबसे लंबे समय तक अरेस्टेड रहता है। आपको याद आ जाएगा ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस में आप जानते हो कि फीमेल के बॉडी के अंदर ओसाइट्स का जो फॉर्मेशन है वो तो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो अरेस्ट हो जाता है प्यूबर्टी तक, यानी कि जब तक फीमेल चाइल्ड का बर्थ ना हो जाए और वो 12 और 13 इयर्स के एज में नहीं चली जाए, यानी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक के लिए वो वहां पर अरेस्टेड स्टेज में होता है। याद आ जाएगा आप सभी को कि मियोसिस फर्स्ट उस ओजेनेसिस के दौरान अरेस्टेड रहता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि डिप्लोटीन स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का दिखाई देता है क्योंकि ये लगभग 12-13 साल का ड्यूरेशन तक ये क्या होता है, अरेस्टेड रह जाता है, रुका हुआ रह जाता है। तो आपको मैं एक बात बताऊंगा किस तरीके से इन चीजों के साथ सॉल्व आउट करोगे, कैसे इन चीजों को क्लियर करोगे। तो फिलहाल तो इन बातों पे नहीं जाना है, फिलहाल जो पॉइंट्स हैं उनको पहले समझते जाओ। मैं जब वहां पहुंचूंगा तो मुझे बिल्कुल ध्यान है कि कैसे उन चीजों को मुझे क्लियर कराना है, मैं करा दूंगा। तो आपको तो किसी तरह का कोई एफर्ट ज्यादा करना ही नहीं, आपको तो बस सेशन में आ जाना है, क्लासेस करना है और नोट डाउन करते चल जाना है जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, काम खत्म, टाइम कम आपका लगेगा अगर आप चीजें समझ के पढ़ोगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मिरेकल बॉय, ये बातें आपस में नहीं करो क्योंकि आपस में बात अगर आप करोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि कॉन्सेंट्रेशन आपका बिगड़ेगा और जब कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा तो फिर आप रटने चल जाओगे और बायो अगर रट के पढ़ा है आपने तो आपको भी पता है कि वो चीजें लॉन्ग टर्म याद रहेंगी नहीं। फिर आप आगे चल के जब मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तो हो सके आप नीट तो क्वालिफाई कर गए पर मेडिकल कॉलेज पहुंच करके आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप रट के चीज़ें गए थे, तो दिक्कत आएगी, समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है सबको? यस, गुड। तो अब देखो यहाँ पे क्या, टेट्राड स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, देखो आ गया वो लाइन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर डेवलप्स रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। बताया था ना कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा वो जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसी को तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते थे। और क्रॉसिंग ओवर किसका होता था? होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का होता था, होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का होता था एंड एक्सचेंज देयर पार्ट एंड दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से क्रॉसिंग ओवर से। तो क्या हो गया ये बात क्लियर, समझ में आ गया? यकूब बिल्कुल, आप क्लासेस करते हो, आपका तो नाम लेते ही है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर यहां पर चीजें क्लियर हो गई। क्रॉसिंग ओवर को डिस्कवर किसने किया था? मॉर्गन और कैसल ने किया था। किसके अंदर किया था? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, याद आ गया ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई जिसको आप कहते हो, तो फ्रूट फ्लाई के अंदर ही मॉर्गन ने सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर को डिस्कवर किया था। टी एच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे, है ना, याद आ गया सभी को, लिंकेज वगैरह जिन्होंने समझाया था। तो आपने जब जेनेटिक्स पढ़ा था तो वहां पे जो क्रॉसिंग ओवर सुनते रहते हो वो बेसिकली इन्हीं सारी चीजों से आपको क्लियर रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया सबको, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो एक और बहुत ही शानदार सा लाइन, एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपने पढ़ा है, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो आप वहां पे क्या देखते हो कि एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि देखो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्रॉसिंग करने जाएंगे तो इनको स्प्लिट करना पड़ेगा अपने पार्ट से, अपने जो ओरिजिनल पार्ट है उनसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये जहां से ये ब्रेक करते हैं तो उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है तोड़ने के लिए, तो आपको पता ना मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है एंडोन्यूक्लियस, कटिंग करने में हेल्प करता है। तो एंडोन्यूक्लियस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी एंजाइम होती है, कौन सी ऐसी प्रोटीन होती है जो कि डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम्स की कटिंग में हेल्प करता है, तो होगा एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंडोन्यूक्लियस आपको याद रखना है,
ठीक है। अब जब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जब क्रॉस करेंगे तो ये आपस में यूनाइट करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए जिस एंजाइम का जरूरत पड़ता है वो कौन सा होता है? लाइगेज। ये तो मतलब आप बहुत बार पढ़ते हो कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं, और जो टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज लाइगेज होता है। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो देखो इस चैप्टर से कितने सारे चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ा जा रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा जा रहा है, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा जा रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा जा रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा जा रहा है। यानी अगर मुझे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छे से समझ में नहीं आता है तो 5 से 6 चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बेस है आपके बाकी 5 से 6 चैप्टर के लिए। इसलिए जब इस क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, साथ के साथ आपके जो 5-6 चैप्टर 12th के हैं वो तो इसी से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और इसलिए मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया इस चैप्टर को। मैं चाहता तो ये छोटा सा चैप्टर था, 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम लेके खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि यूट्यूब पे जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस चैप्टर की मैं इतनी क्लैरिटी दे दूंगा कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप ऐसा कहोगे कि यस सर, ये चैप्टर मुझे याद हो गया है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड 12th में जितने भी चैप्टर है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने का जो तरीका है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें समझ में आ गया आप सभी को। लाइगेज, अब देखो, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। किस स्टेज की हम बात कर रहे हैं? पैकेटीन की बात कर रहे हैं। तो पैकेटीन में क्या क्या हुआ? पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसके अलावा क्या हुआ? टेट्राड दिखा हमें यहाँ पर, और हमें क्या दिख रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिख रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिख रहे हैं। तो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, टेट्राड दिखता है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर हो गया सारा कुछ? अच्छा, इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स को बनाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो ये भी हमें याद रखना है कि एंजाइम कौन सा यूज होगा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा। ओके, सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक बात? तो ये सारी पॉइंट्स हमें इस तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है। अब आएगा ये डिप्लोडीन स्टेज, ठीक है। तो अब डिप्लोडीन स्टेज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो जो आपका कल का क्लास है दैट इज ट्यूसडे, तो कल तो आपको पता है कि ट्यूसडे को हम मेंटी कर रहे हैं, ठीक है। तो वेडनेसडे को मैं ये चैप्टर अब आपको कंप्लीट करूंगा। ट्यूसडे को मेंटी है, यानी कल अगर 11 AM आप सभी आओगे तो उस समय आपको मिलेगा मेंटी क्विज। क्या मिलेगा? मेंटी क्विज मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को समझ लेना, मैं इसको आपको क्लियर करके बता देता हूँ। 11 AM कल है ट्यूसडे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? मेंटी मिलेगा। किस चैप्टर का मिलेगा? 2 चैप्टर्स के मिलेंगे, एक तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है, और दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, तो जिन बच्चों ने अब तक वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाएंगे प्लेलिस्ट में और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस को सर्च करके पढ़ लेंगे। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आना, तब हम कल करेंगे मेंटी। और मेंटी के दौरान आपको पता ही है कि अच्छा से अच्छा स्कोर करना है ताकि लीडर बोर्ड में आप टॉप पे बने रह सको, कम्पीट करना है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करना है, बताना है उनको कि मेंटी में पार्टिसिपेट करना है। तो हर बच्चे का एक काम है कि हर बच्चे को एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स को उसमें मेंटी में लेके आना और आपस में कम्पीट करना है, ठीक है। तो ये काम जरूर करके आना है आप सभी को, ट्यूसडे 11 AM ये काम आप करोगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को आप सभी को पता है 8 to 9 PM रात 8 से 9 के टाइम में आपका क्या होता है? MCQ सीरीज होता है। और ये जो MCQ सीरीज है इसमें क्या आपको जानना होता है? यहाँ पे जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स। यानी कि कल सिर्फ और सिर्फ क्विज वाला दिन है, मेंटी करेंगे सुबह में, फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट होना है आपका, फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। 8 to 9 MCQ के लिए आ जाएंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, है ना, और जेनेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। और MCQ आप सभी को पता है कि MCQ कराने का फायदा क्या होता है? MCQ इज नॉट लाइक मेंटी। MCQ में हम बहुत डिटेल में चीज़ें समझते चलते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस को लाते हैं और उन क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से समझते हैं, इसलिए MCQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है, यस रवि, प्लीज रिक्वेस्ट। देखो 10 MCQ की बात करते हो, मैं तो आपको लगभग 25 MCQs कराता ही रहता हूँ, तो आपके MCQs बहुत सारे हो रहे हैं, उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि मेंटी करना बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ, यानी कि मैं जो भी आपके लिए प्लानिंग कर रहा ना सेशन, उन सेशंस में आना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो करते हो ई करियर पॉइंट नीट चैनल को पूरी तरीके से, डेफिनेटली रिजल्ट आपका होगा नीट के अंदर और बहुत आराम से हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट को फीड करना है अपने अंदर और फिर पढ़ाई कर लेनी है। सबको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्यूसडे का जो स्केड्यूल है 11 AM 8 to 9 PM, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप सबको ये बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई हैं, येस और नो? चीज़ें क्लियर हैं। और जो बच्चे मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं और इन सेशंस के बारे में आप मेरे से वहाँ पर भी जान सकते हो, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें टेलीग्राम के ऊपर RK नीट बायोलॉजी सर्च करना होता है और उस चैनल में ऐड हो जाना होता है। तो RK नीट बायोलॉजी वाले चैनल में आप आ जाओ और वहाँ पे आप ऐड हो जाते हो तो मैं आपको वहाँ पे अपने स्केड्यूल्स बता दिया करता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ, आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप मेरे साथ चीज़ें कनेक्ट होकर के ये चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है? मेंटी कब है, जेम्स इज आस्किंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जेम्स की मेंटी ट्यूजडे को यानी कल है ना सुबह 11 बजे मेंटी है। चैप्टर कौन से आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। सो कीप स्टडिंग एवरीवन और अपने हेल्थ का प्रॉपर केयर जरूर रखेंगे और क्वालिटी एजुकेशन समझने की कोशिश करेंगे, NCERT पढ़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।